तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि बाहर के मौसम में अगर आपका भी फसल जो है यानी बर्बाद हो चुका है, उस फसल का जो है सरकार मुआवजा दे रही है, तो आपको जो प्रूफ के साथ दिखाएंगे सब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले जो एक मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि NPCI का आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये मेन टॉपिक है कि आपका रजिस्ट्रेशन है तो ही आपको जो है पेमेंट मिलेगा, अन्यथा आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन उससे पहले हो सके तो आपको वीडियो देखने के बाद अगर लगे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट आता है सबसे पहले आपको पता मिलेगा, उसको जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि आप इधर से मेंशन हो रहा है कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024-25, यानी कि जो बिहार में जो वर्ष 2024 के खरीफ फसल के सितंबर माह में प्रथम चरण के वर्षपात में गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण अनुदान हेतु आवेदन पत्र जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी आपका जो है पेमेंट आपका यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपका जो फसल नष्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने तो नहीं बता रहे, जैसे यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है पंजीकरण संख्या, यानी कि अपना जो है किसान पंजीकरण संख्या यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, सपोज डेट कुछ भी दर्ज कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर होता है तो आपको हम आगे बताएंगे। जैसे यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, यहाँ पे दर्ज कर लिए, जैसे सर्च करेंगे, सपोज जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन हो रहा है किसान बंधु से आग्रह है कि आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता आधार NPCI यानी कि NPCI से लिंक है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, तभी आगे आपका आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो सुनिश्चित होने के लिए यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, NPCI से आपका बैंक लिंक है या नहीं है, और उपयोग करें या अपने संबंध बैंक शाखा प्रबंधन से संपर्क करें। अगर आप सुनिश्चित हैं तो आवेदन के लिए ओके का बटन पर क्लिक करें, यानी कि आपका NPCI से आपका बैंक लिंक है तो आप ओके करें। अगर आपका जान रहे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका लिंक नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपको स्किप नहीं करना, ताकि आपको कुछ कहीं पे समझने में दिक्कत ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझते रहना। जैसे आप इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो है एक आधार का साइट ओपन हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपको आधार के साइट पे ये लेके चला जाएगा, आधार लिंक दे दिया वहाँ गया है। तो मैं आपको चाहूँ तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ही बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बताना आपके संभव है, क्योंकि YouTube सिक्योरिटी रीजन कारण कुछ भी गाइडलाइंस जो होते हैं उसे हमें बचा के रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, जैसे वहाँ पे आपने आपको हम बताए थे कि वहाँ पे जैसे आप ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो NPCI के लिंक दे दिया गया, उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आपको आधार के साइट पे लिंक चल जाएगा। तो आधार पे साइट ले जाने से पहले आपको अगर डायरेक्ट चेक करना है तो आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है myaadhar.uidai.gov, यानी आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, सभी चीज़ का लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में मेंशन हो रहा है myaadhar.uidai.gov, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपको जो एक नया पेज फिर ओपन होगा, माय आधार का जो है आपका नया पेज ओपन होगा। एक मिनट, जैसे माय आधार के लॉगिन पे आप लॉगिन होंगे, यानी कि माय आधार का साइट आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद एक थंब का सिंबल दिख रहा है, इस थंब के नीचे देख सकते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो आपका अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चर कोड डालना है, फिर OTP के ऑप्शन पे आएगा, OTP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे OTP आएगा, OTP दर्ज कर ले, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कुछ किसी का हम लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ब्लर कर दिए क्योंकि यूट्यूब सिक्योरिटी के कारण यहाँ पे हम ब्लर कर दिए। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप आधार देखेंगे, यहाँ पे आपका जो लॉगिन अकाउंट है जो आपका फोटो आधार कार्ड जो फोटो होगा वो फोटो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड पे माय आधार पे लॉगिन हो चुके हैं।
जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है बैंक सेंडिंग स्टेटस, यानी बैंक सेंडिंग स्टेटस जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको अगला पेज जैसे ही डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यानी कि माय आधार लॉगिन है, माय आधार लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बैंक सेंडिंग ऑप्शन के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये जो बैंक सेंडिंग स्टेटस है इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, उसके आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा कि आपका आधार नंबर क्या है, जिससे लास्ट डिजिट दिख रहा है, फिर बैंक किस बैंक आपका किसान का पैसा आता है वो यहाँ पे दिख रहा है, अब बैंक सेंडिंग स्टेटस आपका एक्टिव है। मैंने जो बार बार बताया था कि जब भी पेमेंट किसान पेमेंट का पैसा आता है तो बैंक सेंडिंग स्टेटस रहना ही अनिवार्य है, तो ही आपका पेमेंट आता है, अन्यथा आपका पेमेंट रुक जाता है। तो लास्ट अपडेट कब दिख रहा है, दोस्तों 7/4/18 को मैंने अपडेट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों मैसेज कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखा दे रहा है कि NPCI के तहत यहाँ पे आपका जो लॉग इन है, यानी कि आपका जो एक्टिव है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे गोज टू बोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगआउट करना है, लॉगआउट करने के बाद फिर से आपको जो उसी साइट पे जाके आपको जो अपना फॉर्म भर लेना है, यहाँ से आपको आगे प्रोसेस आपको बताना, यानी फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है। यहाँ से जैसे प्रोसेस है लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आगे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जानकारी दे दिए कि इस तरह आपको फॉर्म भरना है। ये सिर्फ वीडियो था कि NPCI में आपका बैंक अकाउंट यानी बैंक NPCI से लॉगिन है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है। इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आपको अगर नहीं है तो किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि है या अगर नहीं है तो आप जो बैंक अकाउंट से में जाकर आप पता कर सकते हैं कि वहाँ से आपको किस तरह है। तो PM किसान को लेकर या बाढ़ पीड़ित को लेकर किसी तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप किसी के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं, बस अर्थात इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने इसलिए बोल रहे हैं ताकि कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाता है कि ताकि वो कुछ से कुछ वीडियो देखते रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ भी जानकारी मिलता रहे ताकि उनको समझ में आ जाए। और उनको भी बोल देंगे लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि सही जानकारी उनको मिलता रहे। और भविष्य में किसी तरह का अपडेट आता है PM किसान को लेकर, किसी तरह का अगर जानकारी आता है, किसी तरह का बेनिफिट आता है, तो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, उसकी जानकारी आपको मिलेगा। इस वीडियो को अपने ग्रुप में या अपने लोगों तक दोस्तों लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से अपना चेक कर लेंगे कि बाहर का कुछ भी पेमेंट जो आ सके, ताकि उनका क्षति जो हुआ किसान का, जो लोगों का किसान का क्षति हुआ, ताकि कुछ भी बेनिफिट हो जाए तो वो ऊपर हो सकता है। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और जानकारी के साथ, धन्यवाद। बस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो अगर आपको सही लगे, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें चाहे सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें सही लगेगा कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी देता रहता हूँ। इसलिए वीडियो को जरूर अपने चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, धन्यवाद।